हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल और स्मार्ट टिप्स ऑनलाइन में आपको फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप फेसबुक में लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और आपका खुद का एक वीडियो या आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप या आपका कोई भी वेबकैम के द्वारा अगर आपका फेस दिखाना चाहते हैं तो कैसे वहाँ पर आप लाइव स्ट्रीमिंग करके आपका फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल है वहाँ पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर क्लिक करने से आपको ऐसे ऐसे वीडियो का अपडेट न्यूज़ आपका मेल पे मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग आपका जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो लाइव स्ट्रीमिंग आपको करना है तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो है OBS स्टूडियो, ओपन ब्रॉडकास्ट स्टूडियो सॉफ्टवेयर, जो एकदम फ्री है और वो आप मोबाइल पे आपको नहीं मिल सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन उसका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये लिंक में इस वीडियो का नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे दिया हो, वहाँ पे आप क्लिक करके आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए आपका कंप्यूटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको ये देखिए, ये सबके में अवेलेबल है ये सॉफ्टवेयर, ये विंडोज़ में भी अवेलेबल है, मैक के लिए भी अवेलेबल है और लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए डाउनलोड करके, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपका फेसबुक जो लॉगिन आपका जो पेज आपका जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ पे लॉगिन करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो फेसबुक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो प्रोफाइल पेज है वहाँ से आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। आपको लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको फेसबुक का एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका फेसबुक में जब भी लॉगिन होंगे उसके बाद राइट टॉप कॉर्नर पे एक डाउन एरो मिलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपको लॉग आउट करने मिल जाते हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट पेज एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आपको एक पेज पहले क्रिएट करना है, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आपको पता नहीं है, एक्चुअली सबको ही पता है, अभी सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फिर भी मैं जिसको पता नहीं है इसीलिए मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्रिएट पेज में क्लिक करना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे लास्ट जो ऑप्शन है काउज और कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो कम्युनिटी का जो नेम है, आपका पेज का जो नेम देना चाहते हैं आप, उसमें क्लिक कर दीजिए, मतलब यहाँ पे टाइप कर दीजिए उसको, और उसके बाद गेट स्टार्टेड कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा जो पेज क्रिएशन को जो प्रोसेस है वो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, सभी को पता है, जो फेसबुक यूज़ करते हैं उसको भी पता है कैसे पेज क्रिएट करते हैं, तो बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। तो इसको पहले क्रिएट कर लीजिएगा, और क्रिएट करने के बाद देखिए जैसे कि मेरा जो चैनल का जो पेज है फेसबुक ऑफिशियल पेज है तो वो है जस्ट फॉर यू, मेरा चैनल का जो नेम है, ठीक है, और ये है मेरा चैनल का ऑफिशियल पेज, ठीक है। तो और देखिए ये है मेरा जो चैनल का जो पेज है उसके URL facebook.com/justforyouchannel, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जितना सारा अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, टिप्स चाहिए, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ इस पेज को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए जो दिखाता हूँ, देखिए दो चीज़ है, एक है यहाँ पे देखिए स्टार्ट ए लाइव वीडियो, मतलब यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी लाइव कर सकते हैं कोई भी वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना है सिर्फ, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट करना है, और उसके बाद आपका लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अनेबल टू फाइंड कैमरा, मतलब मेरा तो कैमरा यहाँ पे सेट नहीं है मेरा कंप्यूटर के साथ, तो अगर आपका पीसी के साथ आपका वेबकैम सेट रहते हैं या कोई भी कैमरा अगर सेट रहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं पहले से ही, तो यहाँ पे आपका डिटेक्ट होके आपका लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक उपाय, और दूसरा जो उपाय है वो आपको कैसे करना है, अगर आप कोई भी वीडियो अगर सोचिए कि अगर आप डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन कास्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे स्क्रीन कास्ट करने के लिए और इसको लाइव करने के लिए आपको कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे पब्लिशिंग टूल्स एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। पहले आपको OBS जो ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको तो इंस्टॉल करना है, ठीक है, और उसके बाद OBS को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखिए पहले आप OBS को इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिए फेसबुक में यहाँ पे देखिए यहाँ पे पब्लिशिंग टूल्स में जब भी आप क्लिक करेंगे
उसके बाद देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन है वीडियोस, ठीक है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। और इसमें क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक लिखा है लाइव, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए स्ट्रीम की, बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ स्ट्रीम की। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम की दे रहे हैं इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको OBS को ओपन करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जाके पहले देखिए लेफ्ट साइड में एक है सीन सेक्शन, ठीक है। अगर आपका इसका इंटरफेस के बारे में पता नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में है सीन सेक्शन, उसके बाद है सोर्सेस सेक्शन, ठीक है, और उसके बाद है मिक्सचर सेक्शन, और उसके बाद है स्क्रीन ट्रांजिशन सेक्शन, और राइट साइड में आपका है बहुत सारा बटन है यहाँ पे, जैसे स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टूडियो मोड, ठीक है, और सेटिंग्स, ठीक है, और एग्जिट, ये सब है यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में पहले आपको जो करना है वो है आपको सीन्स क्रिएट करना है, मतलब कौन सा सीन को, कौन सा स्क्रीन को आपको दिखाना है, ठीक है, लाइव में। तो यहाँ पे पहले एक होते हैं डिफॉल्ट स्क्रीन और दूसरा होते हैं सेकेंडरी स्क्रीन। सेकेंडरी स्क्रीन में आप आपका जो वीडियो है, पर्सनल वीडियो है, उसको आप दिखा सकते हैं, लेकिन जो पहला जो डिफॉल्ट स्क्रीन होते हैं, जो प्राइमरी स्क्रीन होते हैं, उसमें आप आपका जो पर्सनल वीडियो है वो दिखा नहीं सकते हैं। कैसे होते हैं ये थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, देखिए प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ आपको। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको सीन्स क्रिएट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे प्लस में क्रिएट करता हूँ, नीचे ऐड, और यहाँ पे सीन्स का नेम दे देता हूँ वन, ठीक है, और इसके बाद ओके, और ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसमें इसको नाम दे देता हूँ S1, ठीक है, सीन वन, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए S1 मेरा सीन वन है, और मैं यहाँ पे सीन टू जो है मैं उसको नाम, उसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ S2, ठीक है। तो मेरा देखिए सीन वन है मेरा जो प्राइमरी स्क्रीन है, और सीन टू है मतलब S2, ठीक है। तो यहाँ पे S1 में आप आपका वीडियो डाल नहीं सकते हैं, आपको S2 में करना पड़ेगा। तो S2 में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे S2 में जाके आपको राइट साइड में क्लिक करके यहाँ पे ऐड में क्लिक करके, और यहाँ पे देखिए मीडिया सोर्स एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप, अगर आप देखिए मीडिया सोर्स में जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा आपका, जैसे कि गेम कैप्चर, विंडो कैप्चर, अगर आप आपका कंप्यूटर का पीसी का अगर स्क्रीन कास्ट करना चाहते हैं तो विंडो कैप्चर में क्लिक करना है आपको। और अगर आप आपका कोई भी पर्सनल कोई वीडियो है उसको अगर आपको यहाँ पे लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीडिया सोर्स में जाना पड़ेगा, और उसके बाद ओके करना पड़ेगा, और यहाँ पे ब्राउज करके आप कोई भी अगर वीडियो चाहे तो यहाँ पे ला सकते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मेरा जो यहाँ पे एक वीडियो है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और ओके कर देता हूँ, देखिए मेरा जो वीडियो है ये यहाँ पे आ गया है। तो देखिए यहाँ पे इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं, मतलब ये जो स्क्रीन है यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं और एक जो मतलब स्क्रीन है आपका पास, जैसे कि आपका विंडोज़ का जो स्क्रीन है उसको भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसका नेम दे दीजिए, और यहाँ पे सिम थ्री दे के यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपको विंडोज़ कैप्चर, विंडो कैप्चर में क्लिक करना है, और यहाँ पे क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो विंडो है अभी खुला हुआ वो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे विंडो भी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सीन वन है और सीन टू है, तो आप चाहते हैं कि अगर चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं एक ही विंडो पे दो चीज़ लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे S3 जो है इसको यहाँ पे से रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद जो S2 है यहाँ इसको रिसर्च कर देता हूँ, और S2 जो है यहाँ पे आप क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे आपको विंडो कैप्चर जो है उसको क्लिक करना है और ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे विंडो कैप्चर आ गया है, तो देखिए यहाँ पे दो स्क्रीन शो कर रहा है, एक है विंडो कैप्चर और दूसरा है मेरा जो वीडियो था, ठीक है। तो मतलब दो वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है, अब अगर आप चाहते हैं कि 4 वीडियोस या 5 वीडियोस आप एक साथ शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो माइक का ऑप्शन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए डेस्कटॉप ऑडियो,
तो इसमें अगर आप इसको अगर म्यूट नहीं करते हैं तो आपका डेस्कटॉप में जब भी जितना बार क्लिक होगा जो बात करेंगे आप, बात करने के लिए देखिए माइक ऑक्स जो है इसको आपको मतलब इनेबल करना है। इसको आप ऐसे ही रखने दीजिए। और आपका जितना सारा मीडिया सोर्स का फाइल है, अगर आप उस वीडियो का साउंड देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिए। अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसको म्यूट कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेटिंग्स का सेक्शन है, कैसे लाइव स्ट्रीमिंग चालू करेंगे। आपका तो पहले सीन क्रिएट हो गया है और उसके बाद आपका जितना सारा मीडिया सोर्सेस है वो सब लगा दिया आपने यहाँ पे। और मैं जो बोल रहा था, देखिए आपका जो यहाँ पे जो स्ट्रीम की है इसको कॉपी करना है यहाँ पे, और यहाँ पे OBS में जाके आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो स्ट्रीम सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फेसबुक लाइव जो है सर्विसेस इसको यहाँ पे फेसबुक लाइव सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रीमिंग सर्विसेस है स्ट्रीमिंग सर्विसेज रहने दीजिए, और उसके बाद इसको जो सर्वर है सर्वर डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, उसके बाद स्ट्रीमिंग की यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। वो जो स्ट्रीमिंग की वहाँ पे शो कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए अप्लाई, और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो आपका जो स्ट्रीमिंग है OBS के साथ जुड़ गया है फेसबुक में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना है आपको यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, तो देखिए फेचिंग हो रहा है वीडियो, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने के लिए। तो देखिए अभी तक मेरा लाइव नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम के मैं म्यूट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं आपको कितना रेजोल्यूशन में चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे गो लाइव में क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो गो लाइव में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आप वीडियो टाइटल डाल सकते हैं, वीडियो टैग्स डाल सकते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो आप लाइव करते हैं तो यहाँ पे टाइटल और टैग्स डालते हैं, तो यहाँ पे आप वीडियो का टाइटल और टैग्स डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका जो लाइव स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये है आपका वीडियो लाइव स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए वीडियो व्यूज, यहाँ पे वीडियो व्यूज काउंट करेगा, पीक लाइव व्यूअर्स मतलब लाइव व्यूअर कितना हुआ है ये यहाँ पे शो करेगा। और अगर कोई भी ऑडियंस कोई भी कमेंट्स करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपका कितना पोस्ट हुआ है, वीडियो एंगेजमेंट कितना है, हाँ तो यहाँ पे सब कुछ शो करेगा। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे इसको आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको हेल्प मिलेगा। तो इन फ्यूचर में तो मैं कोशिश करूँगा कि फेसबुक में लाइव आने के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फेसबुक में लाइव आऊँ और आपका कोई भी क्वेश्चन का सवालों का जवाब दूँ, तो यहाँ पे आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे को अगर कमेंट्स करते हैं कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए आपका मन में क्या है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आऊँगा इन फ्यूचर में। और यहाँ पे जब भी आपको लाइव बंद करना है आपको, तो यहाँ पे एंड लाइव वीडियो यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एंड में क्लिक करना है। तो देखिए मेरा जो लाइव है वो बंद हो चुका है। और अगर आप देखिए इसको, ये जो आपने लाइव किया है वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिश रहते हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और ये 24 आवर्स के लिए रहते हैं। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको पब्लिश नहीं चाहिए, आपको आप चाहते हैं कि इसको डिलीट करना, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में इसको चेक कर दीजिए, और इसके बाद एक्शन में जाके इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद डिलीट हो जाएगा, बस यही करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिली इसमें से। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। आपके साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए